बात है। आज मैं बनाने वाली होल चिकन, और उसके लिए पहले तो मैं 800 ग्राम चिकन को अच्छे से धो ली हूँ, और अच्छे से आपको चीरा लगा लेना है और बीच के तक एकदम से गड्ढा करना है एकदम से। आप देख सकते हैं इसी तरह आपको एकदम से अच्छा सा डीपली एकदम से करना है। और उसके बाद यहाँ पे सारा भी यहाँ पे चीरा मैं लगा रही हूँ, यहाँ पे हर जगह पे आपको चीरा लगाना है, जैसे कि हम लोग का जब मसाला डालेंगे ना वो अच्छे तरीके से अंदर एकदम से एब्जॉर्ब हो, तो इसीलिए यहाँ पे आपको कट लगाना बहुत जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे नींबू आधा ले ली हूँ, और अच्छे से आपको नींबू यहीं पे डाल देना है। नींबू डालने से ये चिकन थोड़ा सा आपका सॉफ्ट बनेगा। नमक स्वाद अनुसार आपको ऐड कर लेना है। यहाँ पे मैं यहाँ पे 1/4 टीस्पून के करीब यहाँ पे ली हूँ, और अदरक लहसुन पेस्ट आधा टीस्पून के करीब। और यहाँ पे लेने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट को अच्छे से आपको हाथ से लेके अच्छे से रगड़ लेना है, जो यहाँ पे कट है ना वहीं पे आपको अच्छे तरीके से नींबू और नमक और जो ये अदरक लहसुन का पेस्ट, ये बीच में ऐसे ऐसे आपको थोड़ा सा आपको रगड़ लेना होगा। उसके बाद एक ग्लास पानी ले लेना है, और एक ग्लास पानी डाल के आपको ढक के एक घंटा के लिए रेस्ट करने छोड़ देना है। एक घंटे के बाद यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह हो चुका है, और इस तरह होने के बाद आपको थोड़ा सा आपको निचोड़ लेना है जितना पानी वो निकल जाए। उसके बाद एक आपको बाउल में यहाँ पे आपको ट्रांसफर कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे दही ले ली हूँ, एक घंटा के लिए मैं ऐसे छन्नी में रख दी थी, और ये गाढ़ा दही एकदम से हो गया है। और मिर्चा पाउडर जो कि 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून ले लेना, हल्दी पाउडर आधा टीस्पून के करीब, और यहाँ पे गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, और काला नमक आपको आधा टीस्पून ले लेना है। उसके बाद यहाँ पे जीरा पाउडर 1 टीस्पून आपको, और अदरक लहसुन पेस्ट 1 टीस्पून आपको ले लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अच्छे से आपको मिक्स कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे गोलकी का पाउडर यहाँ पे कुछ ऐड कर ली हूँ, और अच्छे से आपको मिक्स करना होगा। उसके बाद नमक जो कि स्वाद अनुसार आपको जितना जरूरत है उसी को लेके आपको अच्छे से एकदम से पेस्ट बना लेना है। उसके बाद ये जो चिकन हम लोग का है उसी को अच्छे से आपको डुबा डुबो के एकदम से वो मसाला आपका जैसे अंदर तक जाए वैसे ही आपको देख सकते हैं। यहाँ पे जो ये कट लगाए थे ना उसी को ऐसे अच्छे तरीके से उसके अंदर में एकदम से आपको आपको डाल देना है। और ये जो अंदर की तरफ है ना वो अंदर की तरफ भी आपको ये मसाला का जो पेस्ट है उसी को आपको लगा लेना होगा अच्छे तरीके से। इसी तरह आपको मसाला बहुत ही अच्छी तरीके से लगाना होगा। लगभग आपको 2 से 3 मिनट ये मसाला लगाने में लग जाएगा। आपको अच्छे से पेस्ट लगाने के बाद यहाँ पे सरसों तेल जो कि गरम कर ली हूँ एकदम से, पूरा एकदम धुआंधार होना चाहिए, और धुआंधार जो सरसों तेल है 1-1 टीस्पून धीरे धीरे मैं यहाँ पे उसके ऊपर ऐड कर ले रही हूँ। और ऐड कर लेने के बाद यहाँ पे धीरे धीरे करके सारा मैं यहाँ पे लगभग 3 टीस्पून यहाँ पे मैं गरम की हुई थी सरसों का तेल, और अच्छे से आपको उसको मिक्स कर लेना है। और मिक्स करके इसको एकदम से रेस्ट करने छोड़ देना है 5 से 6 घंटा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कैप्सिकम, प्याज और टमाटर को ले ली हूँ, उसमें काला नमक हल्का सा डाल दी हूँ। उसके बाद नींबू थोड़ा सा यहाँ पे डाल दे रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे चाट मसाला कुछ यहाँ पे आपको ऐड कर लेना होगा। उसको अच्छे से आपको यहाँ पे क्या करना है, मिक्स कर लेना होगा यहाँ पे अच्छे से। यहाँ पे जैसे ही मिक्स हो जाता है यहाँ पे गोलकी पाउडर भी थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा। और मिक्स हो जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं मैं 5 से 6 घंटा ये मेरा रेस्ट हो चुका हुआ है चिकन, तो उसी के अंदर ये जो है मैं यहाँ पे जो प्याज और कैप्सिकम टमाटर जो है ना उसी के अंदर मैं यहाँ पे रख दे रही हूँ। यहाँ पे सारा जो स्टफिंग है यहाँ पे जितना है वो रखने के बाद एक आपको रस्सी ले लेना है, उसी से आपको पैर बांध लेना होगा उसका मुर्गी का। और इसी तरह होने से क्या होगा ना, आपका जो जब चिकन पकेगा ना तो अच्छे तरीके से पकेगा, और एकदम से वो जो प्याज कैप्सिकम वो भी अच्छे तरीके से हो जाएगा, हल्का हल्का बाहर निकलेगा बट वो अच्छे तरीके से होने के लिए यहाँ पे मैं एक रस्सी के मदद से अच्छे से बांध ली हुई हूँ। और सारा जितना भी मसाला है ना उसी को पूरा एकदम से लगा देना होगा आपको, अंदर अंदर तक आपका जितना मसाला बचा हुआ है उसी को सारा डालना है। उसके बाद ये रोटीसरी है जो कि मुझे एलजी में मिल गया हुआ है, आपके पास नहीं है तो ये जो माइक्रोवेव का जो ट्रे है उसी में भी रख के आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं ये जो एलजी ओवन है मेरा तो उसी में मैं यहाँ पे रख चुकी हुई हूँ। तो यहाँ पे टेम्परेचर करेंगे, मेरा चारकोल वाला है तो मैं CH2 में करूंगी, और तो एलजी ओवन में आप लोग का भी जो है वो CH2 में हो सकता है।
और उसी को क्या करना है, स्टार्ट कर लीजिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाता है, 35 मिनट्स ऑटोमेटिक आ जाता है। जिसके पास एलजी ओवन नहीं है, नॉर्मल ओवन है, सबके पास होता है, उसी को आपको क्या करना है, 180 से 200 डिग्री सेल्सियस आपको कर लेना है। उसके बाद वहीं पे 38-40 मिनट्स आपको टाइम दे देना होगा। उसके बाद यहाँ पे बटर और थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा लगा लेना होगा, उसमें थोड़ा सा मैं धनिया पत्ता काट के डाल दी थी, और उसको डाल के यहाँ पे देख सकते हैं कि 23 सेकंड ऑलरेडी हो चुका है, तो यहाँ पे 0 सेकंड होने तक यहाँ पे उसके बाद देखते हैं कि कैसे चिकन हम लोग का पक गया है कि नहीं। तो ये एकदम से बहुत ही अच्छा कलर आ चुका हुआ है, सुंदर सा एकदम से देख सकते हैं, और चिकन भी मेरा लगभग पक गया है मैं देख रही हूँ। तो एक बार मैं निकाल के देख रही हूँ और बहुत ही सुंदर लाजवाब सा एकदम से, आप भी बनाइएगा और जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा और कैसा लगा जरूर बताइएगा। और ये बहुत ही टेस्टी डिलीशियस एकदम से लग रहा है एकदम से। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे निकाल चुकी हूँ ऑलरेडी ये जो चिकन का जो तंदूर फ्लेवर एकदम से है। उम्मीद करती हूँ मेरा रेसिपी आप लोग को पसंद आया होगा, और अगर ये चिकन तंदूरी आप लोग ट्राई करते हैं तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कैसे बना है। और ये बहुत ही मोएश, बहुत ही एकदम जूसी सा एकदम से है, और ये चटनी मैं बनाई हूँ उसी के साथ एकदम फ्लेवरफुल सा एकदम से। और ये चिकन तंदूरी अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।